नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी सर जी, हमने कानपुर पोल स्टार में S4 और S5 को प्लाट की रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री हो गई आपकी? हाँ, ये अक्टूबर 2020 में हुई थी सर। ए? हाँ अक्टूबर 2020। जी जी सर। एक्चुअली हम ठीक राजेंद्र जी, मैं हरियाणा कुरु क्षेत्र में रहता हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत कम आना जाना हो पाता है। ओके। तो यूट्यूब पे आपका देख रहा था प्रोग्राम, तो मैंने कहा चल मीटिंग में ज्वाइन करता हूँ मैं। जी सर। तो आपने अक्टूबर 2020 जो रजिस्ट्री कराई थी आपने, तो आपने पहले प्लॉट लिया था उसकी रजिस्ट्री कराई थी आपकी कोई और लाइब्रेरी? ऐसा था कि पहले हमने प्लॉट 3 बुक कराए थे। एक आपके कानपुर में ही A94 था और इलाहाबाद में था, ठीक है सर। तो इसके बाद जब मैं 2016 में उनसे बोला तो वो कहे कि अभी रास्ते वास्ते बने नहीं है, अभी मैं आपको जमीन दिखाऊंगा तो प्लॉट कहीं और मिलेगा तो कल आपको परेशान हो गए। इस करके उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ थोड़े दिन। इसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर मैंने उनसे 2-3 बार बात करी। करने के बाद नतीजा ये हुआ कि बोले कहते अभी रास्ता वास्ता बनने दो फिर करवाते हैं। इसके बाद फिर मैंने रोक दिया, होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद फिर मैं अपना कुरुक्षेत्र में परचेज कर लिया। मैंने कहा चलो इसको जब होगा। फिर इसके बाद 2018 में जब बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा, मैंने कहा या तो पैसा रिटर्न करा दो या रजिस्ट्री करा दो। कह रहे अभी रजिस्ट्रियाँ हो नहीं रही हैं, ये कह के फिर ऐसे टलता चला गया। फिर इसके बाद मैंने उसको पैसा रिफंड के लिए मांगा था, उसमें PI प्लान था, उसमें उन्होंने कन्वर्ट करा दिया था। किस प्लान में कन्वर्ट करा दिया था उन्होंने? PIP पे। ओके। हाँ, यानी इसके बाद कन्वर्ट कर लिया था। हाँ, तो इसके बाद जब सारा वो हो गया था तो एक बार फिर मेरे को 2020 में पता लगा, मई वही के महीने में कह रहे रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, तब मैंने आपके यहाँ रजिस्ट्री करा लिया था। जो भी उसका एक्स्ट्रा पेमेंट वेमेंट करनी थी सारा चीज दे ओके मैंने एक नंबर पे करके करवा लिया था। ये है मेरी प्रॉब्लम और कुछ नहीं सर। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में राजेंद्र जी आपकी जो पेमेंट है वो सब कंपनी के अकाउंट में आई थी? जी पूरा आया था, सिर्फ उसमें 84,000 रुपये जो जिसके थ्रू हमने काम कराया था उसने बीच में 2015 में उसका कोई बनता होगा आपके यहाँ से रिवार्ड वार्ड उसके रूप में उन्होंने अपने अकाउंट पे लिए थे पैसे। बाकी आपके अकाउंट में सारा एक नंबर है। हाँ जी सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ जी सर, आपका जो प्लॉट है 2020 में रजिस्ट्री रजिस्ट्री हुई है, 2020 जितने प्लॉट रजिस्ट्री हुए हैं उनके परमिशन भी पेंडिंग नहीं। अच्छा। जब से कंपनी के बैंक अकाउंट सीज हुए हैं, क्योंकि अब हम लीगल चल रहे हैं जैसे मैंने बताया, और परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परेशान जरूरत नहीं है। आपका केस बेहतर हो इसके लिए रास्ते अपनाए जा रही है, क्योंकि आप सभी लोगों की जिनकी रजिस्ट्रियां 2020 हुई है, 2019 के अंत में हुई है, या अगर उस बीच कई ऐसी रजिस्ट्रियां हुई है जिसमें कंपनी का कहीं से कोई लेटर नहीं है, या कुछ लोगों ने प्रभाव से दबाव से कुछ ऐसी रजिस्ट्रियां कराई जो नहीं होनी चाहिए, ऐसे कस्टमर की करा दी गई जिनकी नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसी रजिस्ट्रियां जब तक पूरी तरह से फाट नहीं ली जाएंगी और कंपनी अपनी सारी लीगल लाइबिलिटी को जब तक खत्म नहीं कर लेगी, तब तक ऐसे किसी भी केस को कंसिडर नहीं करेगी जिसमें किसी भी प्रकार की संभावित कहीं पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई हो जो नहीं हो सकती। जैसे आपने बताया 2020 में रजिस्ट्री कराई, 2020 में रजिस्ट्री हुई है उस रजिस्ट्री से हम इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन सभी रजिस्ट्री से हम इनकार कर रहे हैं जो कंपनी सारी में ना हुई। अब आपसे वहां कोई कह रहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट का अप्रूवल था या मैंने कराया था, मैं ना इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना इसको मना कर रहा हूँ, दोनों चीजें हैं। जी जी सर। तो इसलिए आपको थोड़े समय के लिए अपने पोजीशन के इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित मत होइए, निश्चित रहिए, आपका पैसा कंपनी में निश्चित रूप से भी आया होगा, वो पैसा हमारे पास आपकी जमानत है, निर्धारित समय पर निश्चित समय पर जरूर आपको मिलेगा। अभी फिलहाल सर जी देखिए सर जी, मैं तो निश्चित ही बैठा हूँ चुपचाप भगवान के नाम लेकर और आप पे विश्वास है आज तक बैठा हुआ था। मैंने अगले मेरे पास कई लोग आए कि चलो केस कर दो ये कर दो, मैंने कहा भाई इतनी बड़ी कंपनी है गलत काम नहीं करेगी, आज नहीं 2 साल 3 साल बाद तो मिलना ही है सबको, ये विश्वास करके बैठा हुआ हूँ।
ये आप लगा लीजिए सर जी। चलिए तो राजेंद्र जी आपको आपके सवाल के जवाब मिल गया होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक बार कंपनी का दरवाजा खुल जाने दें ताकि हमारी पूरी टीम वो पूरे बाकायदा एक बार चेक कर ले कि हाँ आप सभी लोगों ने जिन लोगों ने भी कंपनी के साथ में पैसे कितनी देनी की है वो सारे सारा पैसा आपका प्रॉपर है, हेर फेर नहीं है, तो कंपनी पूरी तरीके से आपका जो भी है केस उसे कंसिडर करेगी। अगर कहीं कोई कमी होगी तो अपने कस्टमर को हम किसी प्रकार से परेशान नहीं होने देंगे, जिम्मेदारी हमारी है। आप देखिए ठीक है, ठीक है सर, चलिए मैं आपको करता हूँ। थैंक यू सर, रमेश भट्ट फोर स्टार। नमस्कार नमस्कार, हाँ जी रमेश जी बताएं। रमेश जी आपकी आवाज बहुत कट कट करके आ रही है। आप आवाज आ रही, हेलो हेलो सर, सबसे पहले जब साइट, सर सबसे पहले जब पोल स्टार में साइट आई थी आपकी, सर मेरे वहाँ पर प्लॉट सर पड़े हैं सर, मैंने मेरा सर 21 मई 2015 को सर सबसे पहले साइट आई थी, तो मेरा सर 200 गज का कॉर्नर का प्लॉट, उसमें सर मेरा बुक है, मैं क्या रजिस्ट्री भी उसकी हो चुकी है, सब कुछ ओके था सर, सर उसमें मैं पोजीशन भी मेरा मिल गया था सर। मेन मेरी प्रॉब्लम सर ये है कि सर कंपनी के मैंने काफ़ी प्लांस में PIP हो गया और गिव एंड बैक हो गया सर, मैंने काफ़ी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी सर 6/7/2019 की जगह सर जितनी भी थी सर मेरे से डिपॉजिट करा ली गई, यही बोल के कि सारी जगह जो लखनऊ वाले गोमती नगर वाला ऑफिस है वहां पर सर जगह डिपॉजिट हो रही हैं और वन बाय वन करके उसके बाद वो कैश होंगी, क्योंकि सर वो बाउंस हो चुकी थी, तो मैं टीम विक्रांत से सर जुड़ा हुआ था और सर वो चेकें तो सारी डिपॉजिट हो गई, फिर उसके बाद सर ये ऐसा कोलैप्स हो गया कंपनी के साथ, तो सर उसमें फिर बाद में ये मेरे को सूचना मिलती है कि चेक्स अभी आपको नहीं मिल पाएंगी और आप चाहें तो उस चेक के बदले आप प्लॉट रिडीम कर सकते हैं, तो सर मैंने बाय लोन से पहले भी मैंने सर इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 1800 स्क्वायर फीट का 2015 में, और सर मैंने फिर सर मैंने इसमें जब चेक्स की ऐसा पता लगा कि चेक्स जो लखनऊ ऑफिस में जमा हो चुकी हैं वो वापस नहीं मिल पाएंगी, तो मैंने 1250 के सर मैंने दो प्लॉट यहाँ पर मैंने पोल स्टार फर्स्ट में ही सर मैंने और सर मैंने वो किए, ये जानते हुए कि उस वक्त ये बता दिया गया मेरे को कि चेक्स मिलना और जो कैश है वो पॉसिबिलिटी अब ना रखिए, बाकी बाद में मेरे ऊपर अपील ना हो कि आपको ये सूचना नहीं दी गई कि कंपनी इस वक्त चली गई है, तो सर मैंने दोबारा लोन लेके 1250 और उसमें सर मैंने दो चेकें रिडीम हुई ये बता के कि जो आपकी चेक्स है उसमें से कुछ चेक्स आपकी रिडीम्स हो जाएंगी और आपको उसके बाद 15% डेवलपमेंट चार्ज उसमें एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा जो आपका टोटल वहाँ का कॉस्ट है उसके हिसाब से, तो सर मैंने फिर लोन के थ्रू सर मैंने प्लॉट लिया और सर 6 मार्च 2020 को सर मेरा दोबारा सर उस पर मेरा रजिस्ट्री हुआ है सर, अभी उस पर सर मेरे को पोजीशन दे दिया गया था, पोजीशन लेटर देंगे, मैंने सारे सर मेरे वाइफ के नाम के हैं सर शशि भट्ट, तो सर मेरे को वहाँ दे दिया गया, बट सर जिस उस पर सर जिस प्रकार की वहाँ कॉस्टिंग हो रही थी दिवाली वाल जो वहाँ चौधरी उठाने का, तो सर वो बहुत महंगा था क्योंकि सर मेरे पास सर पैसा भी नहीं था, तो सर जो 2015 में जो सर मेरा पहला सर प्लॉट था सर उस पर उन्होंने 25,000 बोला गया मेरे को, यहाँ पर 20 प्लर आपको मिलेंगे और तार आप करवाना चाहते तो एक पैकेज में सर मैंने तब वही सर मैंने ले रखा है सर, सर 2015 में सर मेरा भी वही सर पोजीशन है और सर जो मेरे को 2020 में सर चेक के बदले जो रिडीम हुई है उसके बदले जो प्लॉट दिए गए थे 1250 के सर पोजीशन, तो उसमें मेरे को प्लॉट पे वाइफ खड़ा कर दिया गया था, फोटो भी उन्होंने ले ली थी कि आगे कंपनी को भेज दी जाएगी ये देते हुए कि आपकी दो चेकें इसमें रिडीम हुई है, ये एक हमारे पास प्रूफ रहेगा। आपकी वाइफ सर ये दो सर ये मैं आपको बता रहा हूँ ये 2020 मेरी रजिस्ट्री हुई है सर, ये करीब 21-22 के आसपास है सर, ये एग्जैक्टली सर मेरे को लेटर पोजीशन लेटर में साइन के हेड में सर एक अंकुर करके सर कोई वहाँ बैठ देखते थे सर, दुबले पतले से थे सर, एग्जैक्टली मेरे को नाम सर नहीं पता सर वहाँ पर थे और सर
वहाँ पर सर बताया गया उनको कि मैंने बताया भी कि मेरा ऑलरेडी यहाँ 2015 में प्लॉट है, तो सर उन्होंने बोला कि अभी आप चाहें तो सर उसमें जो 50 का पूरा एरिया हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप उसको वॉल से वो करते हैं गेटेड लगा के सब हम रेडी करके देंगे तो सर उसमें करीब 2.5-3 लाख रुपए सर उसी का ही उन्होंने जब मतलब 2.5 लाख समथिंग उन्होंने बोला 3 लाख होता है आपको 2.5 लाख इसमें हम वो कर देंगे। तो सर मेरे पास सर लोन लेके सारा बच्चियों के नाम का मैंने कर्जा लेके सर इसमें किया था, तो सर मैंने कहा सर अभी तो मेरा नहीं, उन्होंने बोला ठीक है जब आपको अभी हम फिर बाद में क्या होगा हम गारंटी नहीं दे सकते, तो अभी सर वो वहाँ पर मेरा कब्जा भी एटलीस्ट नहीं हो पाया। नहीं सर कंपनी की तरफ से मैंने बताया ना सर कंपनी के जो वहाँ पर सर जो बैठे थे बंदे, तो आई डोंट नो व्हाट्स हिज नेम सर, जो वहाँ पर देख रहे थे क्योंकि सर वहाँ घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है सर, करीब 35-36 किलोमीटर पड़ जाता है सर, पॉसिबल नहीं हो पाता बाइक से जाना बाइक से आना, तो सर वहाँ पर जब जब जाना होता था तो वहाँ पर मेरे को जब बताया गया तो वहाँ पर ये बोला कि आप इसकी चाहें तो उसको करा सकते हैं, तो मैंने कहा इतनी मुश्किल से तो मैंने ये करा रखा है, लेकिन सर वो उसमें करीब 2.5 लाख रुपए का लेके उन्होंने एक लमसम मेरे को एक आइडिया बताया था कि आपका 50x50 एरिया है इसमें आप 9 फीट 3 फीट नीचे जाएगी 6 फीट ऊपर लगेगी। सर मैंने विश्वास पे सर मैं लीगल पे भी नहीं मैं विश्वास सर मैं पैराडाइज ये होटल कानपुर में सर आपका जो मीटिंग था होटल प्रेसिडेंट झगर ये फजलगंज चौराहे पे सर वहाँ पर मैंने आपको पहली मीटिंग और मैं लखनऊ में सर मैंने आपको जो था मैंने मीटिंग जो अटेंड किया था सर उससे मेरे को एक कहीं ना कहीं अंदर विश्वास था कि ये जो भी अप्स डाउन है ये आज ना कल जो होगा वो मतलब उसका एक रिजल्ट मिलेगा सर, और जब से सर ये आपकी मीटिंग्स में अभी मैं ग्रुप में रिसेंटली जुड़ा हूँ सर मैंने ये जब देखा तो मैंने सारा बैग सारा निकाला, तो सर मेरी वही मैंने आपको व्हाट्सएप पे कल मैसेज किया था कि सर मेरी जो चेकें डिपॉजिट हो गई थी सर मैंने सर उसमें एक डायरी में उसके चेक नंबर अमाउंट और किस बैंक की थी वो डेट सर मैंने मैंशन कर रखा था, और सर मेरे को बस यही था कि सर क्या वो चेकें सर अभी मतलब मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि सर लाइफ में पहला इन्वेस्टमेंट किया सारा का सारा वो सर साइन में ही किया सर मैंने, ये देखते हुए कि मतलब एक अच्छा वो है और सर यही विश्वास सर इसी विश्वास सर जमीन भी लिया, लेकिन सर फिर वहाँ सर थोड़ा सा जब देखा कि इस नाम की सर लूट कसोट हो रही है, तो सर उस वक्त तो सर मजबूरी थी कि सर 2015 में जब सर साइट जब लॉन्च हुई थी सर वो तो मैंने चलो किया सर उसमें कार फेंसिंग करवा लिया था सर उसकी मेरी रजिस्ट्री दाखिल खारी सब ओके ऐसा हो चुका है सर, इसकी सर मेरे को जो चेक की बदली रिडीम हुई है सर इसकी जो है अभी चकबंदी के कारण जैसा बताया गया कि अभी दाखिल खारिज नहीं हो रहा है सर, पोजेशन सर से इसलिए नहीं करा पाया सर ऑलरेडी लोन से सर पिताजी की बीमारी में सर काफ़ी पैसा चला गया 16,000 सर मेरा सर सैलरी सर सर मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में ये चार लाइन बोला करता था, इंसान मरा करते विश्वास नहीं मरता है, नामुमकिन को भी मुमकिन विश्वास किया करता है सर, तो ये ध्यान रखिएगा मेरा जीवन आपका जीवन बड़ी है, हम परमानेंट यहाँ नहीं आए, लेकिन अपनी जिंदगी हम अपनी में बात करूं कि अगर मैं हिंदुस्तान के अंदर लेवल मैंने काम किया है तो एक साधारण जीवन जिता करके साधारण मौत मरने के लिए नहीं, अगर मुझ पर आपने या किसी कस्टमर ने विश्वास किया है तो मैं अमर होकर नहीं आया हूँ, लेकिन जब मैं दुनिया से जाऊं तो ये लाइन जो मैंने अभी बोली है आपके सामने इस लाइन को अपनी जिंदगी पे चट्टान साबित करके जाना चाहता हूँ कि मैं भले मर जाऊं लेकिन मुझ पर जिन लोगों का विश्वास उसे न मरने, आपका पैसा कंपनी में आया है जितने भी लोगों की रजिस्ट्रिया 2019 के बाद 20, 21, 22, 23 जब भी हुई है उनके लिए भी मैं हूँ, और जिनकी रजिस्ट्रिया 2019 से पहले हुई है उनके लिए भी मैं हूँ, दोनों के लिए मैं हूँ। आपने अगर 2019 से पहले की किसी भी ट्रांजेक्शन की रजिस्ट्री करा ली है आपको पोजिशन मिल गया, आपने बाउंड्री करा ली है, अच्छी बात है, ये बहुत सराहनीय कार्य है, और अगर आपने 2020 के बाद रजिस्ट्री कराई है जिसके बारे में आपने पूरा बताया कि टिकट वगैरह ले लिया लोगों ने, और मैं आपको पहले एक बात बता दूं कहां कहां इन लोगों में है ताकि आपने इसको स्पीड से पूछे और फिर बताए, 2018 का अंत और 2019 की शुरुआत जो दौर था उस दौर में कंपनी की बहुत ढेर सारी लायबिलिटी की चेकें एसोसिएट अपने पास ले लेते थे और कंपनी की विभिन्न विभिन्न तरह की योजनाओं में उसे निवेश करते थे, जैसे
सपोज कि आपकी पीआईपी आपसे ले ली उन्होंने और पीआईपी डबल काउंट हो, यानी आपने 2 लाख रुपए की चेक दी, आप 2 लाख रुपए आप लगाए कंपनी में तो 2 लाख रुपए कंपनी से आपके अकाउंट में जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन कंपनी का एक ऑप्शन यह था कि अगर आप इस चेक को रीइन्वेस्ट करा देते हैं तो ये डबल काउंट, यानी पे आउट में डबल पे आउट काउंट। तो एसोसिएट को लगता था कि 2 लाख रुपए का बिजनेस अगर मैं पीआईपी का रीइन्वेस्ट करा देता हूँ तो 4 लाख पे आउट मिल जाएगा। तो क्या करते थे वो आप लोग उसके ले लेते थे, ये था कंपनी प्लान से, कोई दोहरा नहीं है। और यही 2 लाख रुपए का वो सौदा किसी और से हो गया जो वो ठीक, किसी और से पैसा लिया और वो पैसा लेकर उन्होंने अपने पास रखा या उन्होंने उस पैसे को लेकर आपको दे दिया। अगर दे दिया तो अच्छी बात है और नहीं दिया है तो वो आकर के बताएंगे कि पैसा उन्होंने क्या किया, जो चेक आपसे ठीक, या हो सकता है कि वो चेक लेकर के उन्होंने अपने पास अभी रखी हो, कंपनी में जमा की हो, ऐसे कई चीजें हैं। अगर आपकी चेक लग करके आपकी रिश्ती हुई और पैसा आपका था, आपका इन्वेस्टमेंट, तो हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे पेंशन ना लीज का, आपका विश्वास है कंपनी में था, वो टूटने नहीं देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। लेकिन अगर आपका वो पैसा वो जो आपने लिखवाया है रिश्ते की, अगर आपका नहीं रहा किसी और का रहा तो यहाँ पे थोड़ी समस्या आ जाएगी। लेकिन अंततः आपका पैसा जितना है कंपनी के अंदर वो रहेगा, उसमें कहीं कोई भी कोताही नहीं होगी, वो पैसा आपका टूटने नहीं देंगे, हम इसकी कोशिश करेंगे। देखिए आप जैसे कस्टमर भी जिन्हें आप पोजीशन दे चुके हैं या वो कस्टमर जिन्हें पोजीशन देने जा रहे हैं, इन सबका विश्वास, इन सबका साथ ही आज हमें इस लेवल पे ला रहा है, इस लायक बना रहा है जहां पर हम कम से कम अपने कस्टमर के इस विश्वास के भरोसे न्यायालय में ये कह सकते हैं कि हम तो काम करना चाह रहे थे, काम कर रहे हैं, लेकिन ये कस्टमर भी हमारे साथ में है जो हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए हमें रोका। अब ये बात तो आप लोग मानते हैं कि कंपनी कहीं नहीं भागी थी, ये बात तो आप लोग को लग गया, कंपनी भागना भी नहीं चाहती है, ये बात कस्टमर को एहसास हो चुका, कंपनी दे सकती थी उससे रोका गया। और ये जो प्रक्रिया भी शुरू कराई गई है अभी, वो इसीलिए शुरू कराई गई है कि हम अपने सारे कस्टमर को ये लायबिलिटी उतारने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी कंपनी में, चाहे वो छोटा निवेशक हो चाहे बड़ा निवेशक, उसको उसके निवेश के बदले में उसके जो हम उम्मीद थी उसको देने के लिए मांगना चाह रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहे, अगर आपके कब्जा आपको मिल चुका है तो निश्चिंत रहे, और अगर आपका ये जो नया वाला प्लॉट है ना इसके थोड़ा सा आपको इंतजार कर सकेंगे। सर जरूर करेंगे सर। एक चीज सर और पूछना था सर, मेरे साथ क्या था सर, आज दुनिया में नहीं है सर, उसका सर ओटीएस के अंतर्गत सर उसने अपना सारा पैसा डिपॉजिट कर दिया था, और बट सर उसकी सर यहाँ डेट नहीं हो पाई, रजिस्ट्री नहीं हो पाई सर, तो ऐसे केस में सर जितना पैसा पूरा जमा हो चुका है सर, उनके पास स्लिप व्लिप सब सारा वो है, बट सर उनकी रजिस्ट्री नहीं है, तो सर वो कब तक सर होने का सर है सर, तो अभी ये बताया गया जब तक हम वहाँ उनके साथ कोई दुर्घटना, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है सर, वो इस दुनिया में सर हो गया 4 साल से ऊपर हो गया सर, वो सर इस दुनिया में मतलब हमारा नहीं है, उस दिन वो जो उसके नाम का प्लॉट था उसके वाइफ के नाम उसको करवा दिया गया है ट्रांसफर, और सर पैसा सारा ओटीएस के अंतर्गत जमा हो गया था सर कंपनी में, जब सर अपनी स्कीम आई सर वन टाइम सेटलमेंट की सर, तो सर सर अभी डी डी नहीं हुआ सर, रजिस्ट्री नहीं हुआ, ये बताया गया कि रजिस्ट्री अभी बंद चल रही है सर, जब वहाँ जब तक हम जाके पता किया तो ये पता किया कि रजिस्ट्री भी हुई नहीं रही है, पैसा सर ओटीएस के अंतर्गत कहा सर 800 स्क्वायर फीट का उसका प्लॉट था, और जी सर तो नहीं सर, मैं आपको म्यूट करके ये जवाब दे देता हूँ ताकि मैं और मौका दूँ, आप उनको मेरा संदेश दीजिएगा इस मीटिंग के द्वारा, और ये मीटिंग रिकॉर्ड भी रहेगी आपका, ये जो अभी आपने मुझे बताया जैसे ही कंपनी की वापसी होती है, जैसे ही कंपनी का वो शुरू होता है ये रजिस्ट्री का अभियान, मैं आपसे वादा करता हूँ बगैर किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी किए हुए
उस क्लाइंट का जिसका भी आपने जिक्र किया कि वो नहीं रहेगी, उनकी वाइफ के नाम पर उनकी रजिस्ट्री करा दी, मेरा वादा है। पहले क्रम में जो रजिस्ट्री लगाई जाएगी उसी क्रम में सबसे पहले उनकी रजिस्ट्री कराई जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं, नमस्कार सर।